वेलकम टू माई चैनल MKS मैथमेटिक्स। प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन। हेलो, इस वीडियो में मैं मास और वेट के डिफरेंस को पॉइंट बाई पॉइंट बतलाने जा रहा हूँ। फर्स्ट डिफरेंस मास, इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रजेंट इन आवर बॉडी। वेट, इट इज द फोर्स बाई विच द अर्थ अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट सेल्फ। मास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है जो कि किसी ऑब्जेक्ट में प्रजेंट होता है, जबकि वेट होता है उस ऑब्जेक्ट को अर्थ जितने फोर्स लगा कर अपनी तरफ खींचता है वो उसका वेट कहलाता है। सेकेंड डिफरेंस, इट इज मेजर्ड बाई बीम बैलेंस। मास को हमेशा बीम बैलेंस से मेजर किया जाता है। एंड वेट, इट इज मेजर्ड बाई स्प्रिंग बैलेंस, जबकि वेट को हमेशा स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं। थर्ड डिफरेंस, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट हैज नो डायरेक्शन। मास जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। वेट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। जबकि वेट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। फोर्थ डिफरेंस मास, इट इज द एसआई यूनिट, इट्स एसआई यूनिट इज किलोग्राम। मास का एसआई यूनिट जो होता है वो किलोग्राम होता है और शॉर्ट में उसे हम लोग केजी लिखते हैं। वेट, इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन और न्यूटन को हम लोग शॉर्ट में कैपिटल N से डिनोट करते हैं। फिफ्थ डिफरेंसेज, इट्स वैल्यू इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द होल यूनिवर्स। मास का जो वैल्यू होता है वो पूरे यूनिवर्स में फिक्स है, वो न तो इंक्रीज करता है और न डिक्रीज करता है। हर प्लेनेट पे इसका वैल्यू इक्वल आएगा क्योंकि ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है। वेट, इट्स वैल्यू इज नॉट कॉन्स्टेंट, इट्स वैल्यू चेंजेज प्लैनेट्स टू प्लैनेट्स। जबकि वेट का वैल्यू हर प्लैनेट पे डिफरेंट आता है और उसके पीछे का रीजन ये है कि हर प्लैनेट पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैल्यू डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अर्थ पे किसी ऑब्जेक्ट का वेट यदि 600 न्यूटन है तो मून पे उसका वेट सिर्फ 100 न्यूटन आएगा क्योंकि मून पर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थ का सिर्फ 1/6 होता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट्स करके बताइएगा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा।